नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। जयपुर शहर से अभी तक आपने चैन स्नैचिंग की घटनाओं के बारे में तो सुना ही होगा। ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन पुलिस इन घटनाओं पर विराम लगाने में असफल साबित हुई। वही शहर में इन दिनों एक नए गिरोह का खौफ भी बढ़ने लगा है। जी हाँ, अगर आप जयपुर शहर में रहते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि जयपुर शहर में इन दिनों मोबाइल स्नेचर घूम रहे हैं, जो बात करते हुए लोगों के हाथों से फोन छीनकर अपनी तेज रफ्तार गाड़ियों से मौके पर ही रफू चक्कर हो जाते हैं। राजधानी जयपुर में मोबाइल स्नेचर स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने के दौरान अपनी गाड़ियों के नंबर गायब कर देते हैं और अपने आप को ऊपर से नीचे पूरी तरह से कवर करके रखते हैं, ताकि किसी के द्वारा उनकी पहचान नहीं की जा सके। हाल ही में जयपुर के कई इलाकों में से इस तरह की चोरी की घटनाएं सामने आई है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा जांच का आश्वासन तो दिया गया है। अगर आप भी मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं तो सुनसान वाले इलाकों में सतर्क रहिए। बाजारों से गुजरने के दौरान अपने साथ साथ अपने फोन की हिफाजत का ख्याल रखें, क्योंकि आपके फोन से आपका डाटा लीक कर आपको मोबाइल स्नेचर बहुत हानि पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार की घटनाओं की FIR आवश्यक रूप से करवाएं, ताकि आपको कोई भविष्य में हानि नहीं हो सके। अभी दो दिन पहले मेरे भतीजे मोहम्मद अंसार का मोबाइल, इसका मॉडल नंबर है Y95, ये क्षेत्र के उसके यहाँ से जब वो जॉब से आ रहे थे, वो यहाँ से वो दो बाइक सवार नकाबपोश आए बदमाश, उसके हाथ से मोबाइल छीन कर ले गए। और ये घटना दो दिन पहले की है, जो क्षेत्र उसके एरिया में घटित हुई है। इसके खिलाफ हमने पुलिस में भी कंप्लेंट करा दी है और संजय नगर थाना में इसकी हमने FIR दर्ज कराई है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही नकाबपोश ऐसे बदमाशों को पकड़ा जाएगा। और तीन दिन हो गए आज, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि जयपुर पुलिस उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।